अमेरिका के धरती से जोहार दोस्तों। यहाँ अमेरिका के वीज़ा के लिए जब अप्लाई करते हैं तो कौन कौन सा स्टेप होता है, सबसे पहले क्या इंटरव्यू होता है या कौन कौन सा फॉर्म लगता है और ये सब फॉर्म कहाँ पर सबमिट करना पड़ता है, कितना फीस लगता है कौन से वीज़ा कैटेगरी के लिए और सही सही स्टेप्स या सही जानकारियाँ क्या है इसके बारे में, से आप अमेरिका का वीज़ा अप्लाई करने के लिए गलती ना करें। आज के इस वीडियो में इन्हीं चीज़ों से संबंधित सारी जानकारियाँ, स्टेप बाय स्टेप आपको क्या करना होता है उसके बारे में जानकारी मिलेगी। तो आज के वीडियो हो सकता है आपके लिए बहुत यूज़फुल हो, इसलिए आप वीडियो में अंत तक बने रहना। आप में से बहुत सारे दोस्त जो मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं या नहीं भी जुड़े हुए हैं, नहीं जुड़े हुए तो जुड़ जाना, वो मेरे वीडियो के कमेंट में पूछते रहते हैं कि मैं मुझे डायरेक्ट जॉब के लिए कौन सा कैसे कौन सा फॉर्म भरना है, कौन सा वीज़ा के लिए अप्लाई करना है, वीज़ा कैटेगरी क्या होता है, कितना फ़ीस लगता है और ऐसे ही बहुत सारे कन्फ्यूज़न होते हैं दरअसल बहुत छोटे छोटे चीज़ों को लेकर। कई बार होता क्या है ना कि हम जब यूट्यूब में वीडियो बनाते हैं और मान लो मैंने वो कर चुका हूँ, मेरे पास वो मान लो अनुभव है या किसी के पास भी, तो वो छोटे छोटे चीज़ों के बारे में गौर नहीं करते हैं, मतलब वो भूल जाते हैं कि छोटा स्टेप भी कई बार लोगों को नहीं समझ में आता है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना उसी पर वीडियो बनाऊं, बहुत बेसिक चीज़ के बारे में कि सबसे पहले आपको कहां पर कौन सा फॉर्म देना होता है, कौन सा वेबसाइट होता है, बहुत सारे कन्फ्यूज़न होते हैं, तो उन्हीं कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए ही इस वीडियो को बनाने की कोशिश है। तो मैं आज के इस वीडियो में यहाँ US के वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं उसके कुछ स्टेप्स बताऊँगा कि सबसे पहले क्या करना होता है, उसके बाद क्या करना होता है, उसके बाद क्या करना होता है, लिए पूरे स्टेप्स को समझने के लिए आप देखते रहना। तो चलिए फिर आते हैं सीधा टॉपिक पर। सबसे पहले आपको एक वेबसाइट में जाना होता है जिसमें ये सब जानकारियां मिलती है और वो क्या क्या जानकारियां उस पर और डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो में, तो वो वेबसाइट में मैं आपको लेके चलता हूं। तो सबसे पहले आप अपने इंटरनेट पर चले जाएंगे, इंटरनेट में यहां पर सर्च में जाएंगे तो आपको सर्च करना होगा USA ट्रेवल डॉक्स एंड फिर ये कुछ वेबसाइट्स आपको यहाँ पर खुले हुए दिखेंगे। अलग अलग जो लिंक है किसी भी लिंक को वैसे क्लिक करोगे, दोनों ऑफिशियल लिंक है तो दोनों में से कोई भी आप एक चूज कर सकते हैं। मैं पहले को चूज कर रहा हूँ, अप्लाई फॉर अ US वीज़ा, ठीक है, क्योंकि आप अमेरिका आने के लिए वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो ये आपको वेबसाइट दिखेगा जो नाम मैंने बताया था USA ट्रेवल डॉक्स, तो यहाँ पर है कौन सी कंट्री के से आप अप्लाई कर रहे हैं, जैसे आप इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, चीन, सऊदी, जहाँ से भी अप्लाई कर रहे हो वहाँ पर ये सब लिस्ट दिया हुआ है यहाँ पर अल्फ़ाबेट में। तो आप अगर इंडिया से अप्लाई कर रहे हैं तो आई को क्लिक करेंगे, यहाँ पर आई को क्लिक करेंगे तो इंडिया का ऑप्शन आ जाएगा। अच्छी बात यह है कि यहाँ पर हिंदी में भी ये सब जानकारियाँ दी हैं, बिल्कुल हिंदी में भी आप सब पूरा जो इंस्ट्रक्शन है वो देख सकते हैं। फिर आप उसके बाद क्लिक करेंगे तो दूसरा जो स्टेप होता है, पहला स्टेप तो ये हो गया, अब दूसरा स्टेप उसका ये होता है कि आपको सेलेक्ट करना होता है कि कौन से कैटेगरी का वीज़ा कैटेगरी आपको चूज़ करना होता है। तो नॉन इमिग्रेंट वीज़ा उनके लिए है जो यहाँ पर स्टूडेंट के रूप में काम करने के लिए या घूमने के लिए या मेडिकल के लिए आना चाहते हैं। आपको ये पहला नोटिस मिलेगा, ये आपको नोटिस दिखेगा, इसमें जो भी नया जो फीस इंक्रीज हुआ रहता है वो जानकारियाँ होती है, इसको आप क्लोज कर सकते हैं। सेलेक्ट करने के बाद कौन से वीज़ा कैटेगरी, नॉन इमिग्रेंट, अगर आप किसी से शादी करके आ रहे हैं और किसी तरीके से तो वो इमिग्रेंट वीज़ा होता है अलग से, ठीक है। वैसे यहाँ पर ये स्टेप्स दिया भी हुआ है जिसके बारे में मैं इस वीडियो में और थोड़े बहुत जानकारियां आपको दूंगा जिससे शायद थोड़ा आपको और मदद मिल सके इन स्टेप्स के अलावा भी, इसीलिए आपको वीडियो में आखिरी तक पूरा बने रहना होगा दोस्तों ताकि आपको ये पूरी तरीके से समझ में आ जाए हिंदी में। तो यहाँ पर आप हाउ टू अप्लाई, मतलब कैसे अप्लाई करते हैं, वो सब प्रोसीजर यहाँ पर दिया हुआ है। आपको जो भी जानकारी चाहिए होगा वो सारी जानकारियाँ इस वेबसाइट में आपको मिल जाता है। तो वीज़ा के लिए किसी भी संबंधित चीज़ की, वीज़ा से संबंधित कोई भी जानकारी आपको जानना हो तो आप हमेशा इसी वेबसाइट में जाएं, किसी एजेंट वेजेंट से ज़रूरी नहीं है पूछना आपको कि कौन से वेबसाइट में जाएं, क्या करें, कैसे करें, यहाँ पर सारा जानकारी, हर एक सवाल जो आपके दिमाग में होगा वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो दूसरा, पहला स्टेप था पहले उस वेबसाइट में जाना, दूसरा स्टेप इसका रहता है वीज़ा कैटेगरी को चुनना, यहाँ पर दिया कि कंप्लीट योर एप्लीकेशन, एप्लीकेशन कैसे भरते हैं, और वही है स्टेप नंबर 3। तो आपने ये कई बार सुना होगा DS-160 फॉर्म होता क्या है, वो आपको यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि DS-160 फॉर्म जो यहाँ पर अभी कंप्लीट एप्लीकेशन में रहता है, इसके बारे में मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा पूरा, उसको फॉर्म को कैसे भरते हैं DS-160 फॉर्म, लेकिन ये बेसिकली एक तरीके का फॉर्म है जिसमें आपको अपने बारे में सारी जानकारियाँ डिटेल में भरनी होती है। हालांकि वो डिटेल में मैं यहाँ पर भरूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। और एक और बात, बहुत ज़रूरी बात, DS-160 फॉर्म अगर आप ऑनलाइन भर रहे हैं, जो कि ऑनलाइन आप भर सकते हैं या एजेंट से भी भरवा सकते हैं पैसा देके या जिसको भी इंग्लिश आता है, तो उसमें क्या होता है आपको 20 मिनट के अंदर ही इस DS-160 फॉर्म को भरना होता है। ये जो दिख रहा है इस तरीके से दिखता है, ये
जो मैंने पहले वेबसाइट खोला था उसी वेबसाइट में ये सब लिंक है। आप थोड़ा बहुत उसमें टाइम देंगे, थोड़ा सर्च करेंगे, थोड़ा रिसर्च करेंगे, तो वो सारी जानकारियाँ आपको ये लिंक वगैरह मिल जाएगा। वैसे इन सब चीज़ का लिंक का डिस्क्रिप्शन मैं नीचे वीडियो में दे दूंगा। आप कमेंट करके भी मुझे पूछ सकते हैं या इंस्टाग्राम या ईमेल करके भी, तो मैं आपको ये लिंक भेज दूंगा। ये यहाँ पर सारी जानकारियाँ दी हुई है कि आपके जो भी सवाल हैं ये DS-160 फॉर्म को भरने के लिए, एक तरीके से बायोडाटा समझ लो इसको कि वीज़ा के लिए आप बायोडाटा दे रहे हैं, लेकिन इसमें पूरा आपका कहाँ रुक गए थे, कितनी संपत्ति है, तमाम जानकारी, सही सही जानकारियाँ भरनी जरूरी होती है। उन सवालों के जवाब जिसका आपको नहीं पता है तो नॉट एप्लीकेबल कर सकते हैं क्योंकि आपको नहीं पता है, और बाद में उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। लेकिन ये जो जानकारियाँ आप यहाँ भरेंगे उस जानकारियों को याद रखना जरूरी होगा ताकि इंटरव्यू के लिए अगर आपको पूछे आपने इसमें फॉर्म भरा था, कहाँ रहते हैं, और आपने जवाब दिया मैं तो वहाँ का भी रहा ही नहीं था, इसलिए थोड़ा सोच समझ कर बढ़िया स्पेलिंग वगैरह देख ले उसके बाद इसमें भरे। फिर इसमें एक और जरूरी टिप्स है, वो है फोटो का। तो इसमें जो आप फोटो लगाते हैं किसी भी एप्लीकेशन में, खासकर इस DS-160 फॉर्म जो होता है उसमें, तो जरूरी होता है कि ये जो उसमें साइज वगैरह दिया रहता है उसी साइज का फोटो लगाना। ऐसे नहीं कि कोई भी चश्मा लगाकर, टोपी लगाकर, या ऐसे मेरे जैसे अभी मैं चल रहा हूँ, ऐसे नहीं, प्रोफेशनल फोटो जरूरी होता है। इस स्टेप नंबर वो है फोटो का। जैसे हम फोटो खिंचाते हैं, पासपोर्ट फोटो साइज़ फ़ोटो जो भी होता है, इंडिया में तो हर काम के लिए, हर छोटे छोटे चीज़ के लिए पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो मांगते ही हैं। तो यहाँ पर इस फॉर्म को भर रहे हैं तो जो फ़ोटो होता है वो बहुत स्पेसिफिक साइज़ का होना जरूरी होता है। कुछ भी फ़ोटो मत खिंचा लीजिए। फ़ोटो जो रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पर दी हुई है जानकारी, आप यहाँ पर जाके क्लिक कर सकते हैं तो आपको मिल जाएगा फ़ोटो रिक्वायरमेंट्स, साइज़ कितना होना चाहिए, कलर कौन सा होना चाहिए, रेशियो कितना होना चाहिए। किसी भी प्रोफेशनल स्टूडियो में जाएंगे, उनको बताएंगे पासपोर्ट और वीज़ा की अप्लाई करने के लिए, तो उनके पास स्टैंडर्ड साइज़ होता है। प्रोफेशनल फ़ोटो से याद आया कि अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए होंगे तो मैं यहाँ अमेरिका में रहता हूँ, अमेरिका में बहुत सालों से रहता हूँ, यहाँ प्रोफेशनल जॉब करता हूँ। और आप यहाँ अमेरिका कैसे आ सकते हैं, अमेरिका के, अमेरिका में जॉब, एजुकेशन और कई तरीके की जो अपॉर्चुनिटीज़ होती है उसके बारे में बहुत बेसिक लेवल पर हिंदी में जानकारियाँ देते रहता हूँ। और थोड़ी बहुत कोशिश रहती है कि जो सुदूर गाँव इलाके हैं उस तक भी इस तरीके की बेसिक जानकारियाँ पहुँचे ताकि वो इसका फ़ायदा ले सके, और अगर अभी नहीं तो आने वाले समय में इसका फ़ायदा ले सके, और धीरे धीरे ये जानकारियाँ बढ़ती रहे। तो चैनल से जुड़े नहीं हों तो सब्सक्राइब जरूर कर लिए रहना ताकि एक जानकारियाँ मैं आप तक लाता रहूं, और सब्सक्राइब कर लिए हों तो बेल आइकन को जरूर दबा दिए रहना, नहीं तो ये जो अपडेट्स हैं वो मिलता नहीं है, और आप मुझसे और भी दूसरे जो प्लेटफॉर्म है वहाँ पर भी जुड़ सकते हैं। और अगर आपको मुझसे डायरेक्ट बात करना हो तो कमेंट में आप अपने गांव का नाम जरूर लिखा करो, और 10 लोगों को जोड़ने का काम भी करना होगा, ऐसे ही तबे ना बनेगा। फिर स्टेप नंबर है 5। अब 5 से याद आया, यहाँ 5 बजे अमेरिका में होती है भयंकर ट्रैफिक। वैसे 5 बजे आपको इधर ड्राइविंग ड्राइविंग नहीं करना चाहिए अमेरिका में, लेकिन 5 से ये याद दिलाना जरूरी होगा, 5 बजे ट्रैफिक से याद रखना कि आपको अपना कन्फर्मेशन प्रिंट करना बहुत बहुत अनिवार्य है। इसके बिना आप किसी भी इंटरव्यू में जा ही नहीं सकते हैं, किसी भी तरीके के वीज़ा इंटरव्यू के लिए। किसका कन्फर्मेशन? जो आपका DS-160 फॉर्म होता है जिसको आपने ऑनलाइन भरा है या एजेंट से भरवाया है, उसको भरते वक्त आपको एक कन्फर्मेशन मिलता है, कन्फर्मेशन नंबर, उसको प्रिंट कर लेना अनिवार्य है। और आपने जो पैसा पे किया है फीस $160 से जितना भी फीस आपने दिया है, उसका रिसीट भी आपको प्रिंट कर लेना होता है, और दोनों को आपको लेके जाना होता है। तो ये कन्फर्मेशन के बिना आप बिल्कुल मत जाइएगा, ये सबसे ज़रूरी चीज़ है, ठीक। और वैसे भी कभी भी किसी भी तरीके के फॉर्म को जब आप भरते हैं तो उसका एक एक्स्ट्रा कॉपी आपके पास हमेशा रहना ही चाहिए, तो वैसे ही ये भी है, लेकिन इसमें ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, ना सिर्फ अपने लिए बल्कि आपको वहाँ पर लेके भी जाना होता है, उसको दिखाना होता है जब आप वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर में जाते हैं। और वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर से याद आया कि आपका 6वां जो स्टेप है, ये भी बहुत ज़रूरी स्टेप है, 6वां स्टेप है, अब आपको इंटरव्यू के लिए अपॉइंटमेंट बनवाना है। तो अपॉइंटमेंट जो है वो ऑनलाइन कर सकते हैं, ये जो वेबसाइट मेरे बगल में दिख रहा है उस वेबसाइट में जाकर आप ऑनलाइन ही घर बैठे इस वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर में अपना इंटरव्यू के लिए अपॉइंटमेंट बना सकते हैं। ये जो वीज़ा अपॉइंटमेंट होगा वो 2 बार करना पड़ता है आपको। पहला होता है जब आपको वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर जाना होता है बायोमेट्रिक्स के इंटरव्यू के लिए। बायोमेट्रिक्स क्या होता है? उसमें बेसिकली आपका जो अंगूठा है, आपका जो ये पाम है, ठीक है, पंजा जो है उसका वो लोग स्कैनिंग करते हैं, और वो आपके भविष्य के लिए है कि भाई जब आप ट्रेवल करते हैं इधर उधर तो उसमें आपका ठप्पा लग गया होता है, तो बायोमेट्रिक्स में बिल्कुल वही होता है।
आप अपने डॉक्यूमेंट्स लेके जाते ही हैं, आप अपना पासपोर्ट ले जाना मत भूलिए। और ये जो वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर है वो भारत में 5 जगह होता है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता और हैदराबाद। उसका एड्रेस भी मैं दे दिया रहूँगा अगर आप चाहेंगे यहाँ पर, तो नीचे लिंक में डिस्क्रिप्शन में। तो वहाँ पर जब जाते हैं वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर में, ये जो एम्बेसी में जो आपका इंटरव्यू होगा, इन पर्सन इंटरव्यू, उससे पहले ये कराना पड़ता है। बिना बायोमेट्रिक्स के आप सीधा एम्बेसी नहीं जा सकते हैं। तो ये हो सकता है ये जो मेन इंटरव्यू है एम्बेसी में, उससे एक दिन पहले हो, 2 हफ्ता पहले हो, 3 हफ्ता पहले हो, वो डेट आपको अपने हिसाब से और अपने सहूलियत के शहर के हिसाब से, कौन सा शहर आपके नज़दीक में है वहाँ पर आप अपना अपॉइंटमेंट बना सकते हैं। और जब उस दिन जाते हैं तो आधा घंटा, एक घंटा पहले ही वहाँ पर, मैं तो बोलूँगा कि 2-3 घंटा पहले आप वहाँ पर जाके बैठे रहिए, बाहर में इर्द गिर्द में ही रहिए, क्योंकि इस तरीके का अपॉइंटमेंट मिस करना बिल्कुल अच्छा नहीं होता है। इसलिए आपको ये ध्यान रखना होगा। साइकिल वाले बहुत है इधर अभी इस समय, साइकिल चलाना ज़्यादा बेहतर होता है स्वास्थ्य के लिए वैसे, लेकिन जब आप अपॉइंटमेंट के लिए जा रहे हैं तो साइकिल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं वहाँ आसपास एम्बेसी के जाने के लिए। उसमें दरकार ये नहीं होता कि आप गाड़ी में ही जाए, ठीक है, ज़रूरी बात ये होता है कि आप टाइम पे वहाँ पर मौजूद हो जहाँ पर आपका ये इंटरव्यू होना है बायोमेट्रिक्स वाला। फिर से रिपीट कर रहा हूँ ताकि आप भूलें ना, 2 अपॉइंटमेंट होता है, ठीक है, एक बायोमेट्रिक्स के लिए पहले होता है अंगूठा और इसके लिए, और फिर दूसरा वाला एम्बेसी में सीधा जहाँ पर आपको वीज़ा दिया जाता है या नहीं दिया जाता है, वो आने वाले स्टेप्स होगा। तो वीडियो में अभी बने रहिएगा पूरा आखिरी तक। स्टेप नंबर 7, स्टेप को बहुत फोकस मत कीजिए कि पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप ऐसे, लेकिन ये जो क्रमबद्ध तरीके से मैं बता रहा हूँ वो एक आइडिया के लिए है कि इस आइडिया से अगर आप वीज़ा एप्लीकेशन भरते हैं तो थोड़ी आसानी होगी और थोड़ा सा क्लैरिटी रहेगा आपके दिमाग में भी, ठीक है। तो अगला स्टेप, आपने फिंगरप्रिंट वगैरह दे लिया, घर वापस आ गए, फिर अगला जो है वो है आपका इन पर्सन इंटरव्यू। इसमें बहुत सारे जो लोग जुड़े हुए हैं या जिनको समझ नहीं आता है, जो बहुत पढ़े लिखे नहीं हैं, या लेबर जॉब के लिए और कई तरीके की चीज़ के लिए पूछते हैं मुझसे वीडियो में, या बहुत लोगों के साथ फ्रॉड भी होता है, तो इसको ध्यान में रखना। अगला स्टेप वो है किसी US एम्बेसी में, जो जैसे इंडिया में है कोई US एम्बेसी रहता है इंडिया में, वहाँ पर जाकर आपको इन पर्सन में, पर्सन टू पर्सन इंटरव्यू देना होता है। इस इंटरव्यू में कोई भी अगर बोलता है कि बिना इंटरव्यू के आपको वीज़ा मिल जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। पहला जो फिंगरप्रिंट वाला होता है उसमें वो बहुत नहीं पूछेंगे कि क्यों जा रहे हो, कैसे जा रहे हो, किस लिए जा रहे हो, वो बस तुम्हारा डॉक्यूमेंट्स देखेंगे, तुम्हारा फिंगरप्रिंट वगैरह लेंगे। लेकिन ये जो इन पर्सन इंटरव्यू है उसमें सवाल पूछा जाएगा कि क्यों जा रहे हो, उसके बारे में अलग से वीडियो बनाऊंगा कि क्या क्या सवाल पूछते हैं। तो सवालों के जवाब जानने के लिए आपको चैनल से बने रहना होगा। इस इन पर्सन इंटरव्यू के लिए भी आप ऑनलाइन ही बुकिंग कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। आपको उसके लिए लगातार मॉनिटरिंग करती रहनी होती है वेबसाइट में, क्योंकि लंबा वेटिंग लिस्ट होता है इस इंटरव्यू के लिए। इसलिए आपको पहले से जो भी आपका टाइम है उस हिसाब से देख लीजिए, और ये जो 5 शहर हैं उनमें से कहीं पर भी आप इन पर्सन इंटरव्यू के लिए अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अपॉइंटमेंट के दिन, उस दिन थोड़ा पहले से चले जाइए ताकि आपके लिए अच्छा हो। एक दिन पहले जाकर किसी होटल में रुक जाइए वहाँ पास में, और फिर जाकर अगले दिन 1-2 घंटा पहले ही लाइन में लग जाइए। वहाँ पर अंदर में आप कुछ भी डॉक्यूमेंट्स के अलावा जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो नहीं ले जा सकते हैं, ना ही आप अपने परिवार के लोगों को ले जा सकते हैं, सिर्फ आप अकेले जा सकते हैं। तो जो डॉक्यूमेंट्स आपने भरे हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स को लेकर जाइए। पासपोर्ट अनिवार्य होता है, आपका पासपोर्ट, DS-160 फॉर्म का एक कॉपी, और जो आपने प्रिंट किया रहा होगा और जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने सबमिट किए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स का ओरिजिनल कॉपी या अटेस्टेड फोटोकॉपी वाला वो रखे रहो, ताकि हो सकता है कि कुछ भी ना पूछे। इन पर्सन इंटरव्यू में बड़े कॉन्फिडेंस के साथ आपको बढ़िया इंटरव्यू देना होगा। जो भी वो पूछेंगे उससे घबराना नहीं होगा, क्योंकि आप यहाँ कुछ क्राइम करने तो आ नहीं रहे हैं, सही सही जवाब देना होता है, और आपके जवाब के हिसाब से उस दिन आपको पता चल जाएगा कि आपका अप्रूवल हुआ है या नहीं हुआ है। और फिर वो आपको बताएंगे कि कब किस तरीके से आपके पासपोर्ट को भेजा जाएगा, कितने बाद अगर अप्रूवल मिलता है, डिनायल मिलता है तो भी वो बताएंगे कि आपका डिनाय हो गया है। फिर उसके बारे में आप और बाद में रिसर्च कर सकते हैं अगर डिनाय मान लो हुआ तो। 8वां स्टेप इसका ये होगा फिर कि आपको आपका वीज़ा मिल गया, पासपोर्ट में बीच में रहता है सारा इन्फॉर्मेशन, बीच बीच में आप एक बार जस्ट टू कन्फर्म चेक कर लीजिए कि क्या उसमें सब इन्फॉर्मेशन ठीक है। उसके बाद अगर आप अमेरिका आने के लिए तैयार हैं, और आने से पहले भी आप थोड़ा रिसर्च कर लीजिए, ये एडिशनल स्टेप है, ये ज़रूरी नहीं है। आपको मिल गया आपका वीज़ा मिल गया वहीं तक का स्टेप ज़रूरी है, ये जो है वो आपके अतिरिक्त जानकारी के लिए है कि घर कहाँ पर सस्ता है, वहाँ पर किस तरीके के मोहल्ले में रहना है, वहाँ की क्या कम्युनिटी है, इसके बारे में भी सोशल मीडिया के थ्रू आप यहाँ पर बहुत सारे ग्रुप होते हैं उनसे जुड़ सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। कहीं से भी किसी को कुछ पूछने में हिचकिचाइए मत, शरमाइए मत,
खासकर मैं खुद गांव से आता हूँ तो मुझे बहुत झिझक हुआ करती थी बहुत शुरू शुरू में, तो आप मत झिझकिए ठीक है, थोड़ा सा ऐसे कॉन्फिडेंस अंदर से लाइए और पूछिए जो भी आपके सवाल हैं। आप किसी का टाइम ले रहे हैं तो उसको थोड़ा सा अप्रिशिएट कीजिए कि आप उसका टाइम ले रहे हैं, कितना टाइम ले रहे हैं, थोड़ा रिसर्च खुद करके आइए, तो इन सब चीज़ों से आपको बहुत फ़ायदा हो। तो ये बहुत बेसिक स्टेप्स हैं, इस स्टेप को आप फॉलो कर सकते हैं अगर आप अमेरिका में आने के लिए किसी भी वीज़ा कैटेगरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो ज़्यादातर मूलतः यही जो स्टेप्स हैं वही होते हैं। बाकी जल्द ही जो वीज़ा जॉब एजुकेशन अमेरिका में जो होते हैं उसका और वीडियो जल्द ही आने वाला है। आपके कुछ और स्पेसिफिक सवाल हो तो कमेंट जरूर कर सकते हैं वीडियो में, उसका जवाब देने की कोशिश करूंगा या उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए फिर आज के वीडियो को यहीं तक रखता हूं दोस्तों। यहां पर ट्रैफिक बढ़ रही है और मेरे इधर बगल में है एक बड़ा सा खूबसूरत सा पार्क, वहां पर वो कभी और दिखाऊंगा, उसको बॉस्टन कॉमन बोलते हैं। वो यहां अमेरिका के मेरे शहर बॉस्टन का सबसे बड़ा और ऐतिहासिक पार्क है। तो इस पार्क के पास से ही आज के वीडियो को विराम देते हैं। आई होप कि आज की वीडियो में मैंने जो भी जानकारी दी है, जितने भी स्टेप्स बताए हैं, उसको आप फॉलो करेंगे कि सीजन चक्कर में नहीं आएंगे। बाकी मिलेंगे अगले वीडियो में अमेरिका की किसी नई जगह को दिखाते हुए, कुछ नई जानकारियां देते हुए, और बॉस्टन या अमेरिका के किसी भी शहर में जिस तरीके की भी जो भी अपॉर्चुनिटीज होती है उसके बारे में मैं बहुत बेसिक लेवल पर हिंदी में जानकारियां आप लोगों को आगे भी देता रहूंगा। बहुत शुक्रिया जोहार मेरे चैनल और वीडियो से जुड़े रहने के लिए।